नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हेमंत शर्मा की पुस्तक देखो हमरी काशी इसके साथ उपस्थित हूं। हेमंत शर्मा जाने माने पत्रकार हैं, मीडियाकर्मी हैं, कई चैनलों से जुड़े रहे, अखबारों से जुड़े रहे और कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। पुस्तकों के लेखक भी हैं और एक ठेठ बनारसी के रूप में राजधानी के सत्ता जगत, सियासत जगत और मीडिया जगत में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। ठस बनारसीपन उनके अंदर भरा हुआ है और बनारस की किस्सा गोई भी रग रग में भरी हुई है। खास बात यह कि हेमंत शर्मा के पिताजी मनु शर्मा जाने माने रचनाकार थे। उन्होंने कर्ण की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, इस तरह की ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं, पौराणिक कथाओं और बनारस पर उनकी अपनी साधना रही है। चूँकि बचपन हेमंत शर्मा का पूरा बनारस में बीता है, बनारस की गलियों में बीता है, बनारसियों के बीच में बीता है, तो भले ही वो राजधानी में छाए हुए हैं मीडिया जगत में, लेकिन उनकी अपनी पहचान अभी भी बनारसियों से जुड़ी हुई है। और बनारस के रंग, ढंग और कर्म तीनों पर वह मानते हैं कि उनका अधिकार है और इसीलिए धड़ल्ले से उनकी बात करते हैं। उन्होंने जो अन्य पुस्तकें लिखी हैं उनमें अयोध्या का चश्मदीद, जो कि वो संवाददाता थे, उन्होंने जो देखा था उस पर ये उनकी किताब है, युद्ध में अयोध्या, ये दो किताबें थी, तमाशा मेरे आगे, एकदा भारतवर्षे और कैलाश जो है ये इन्होंने अंग्रेजी में ये किताब आई है, और द्वितीय नास्ति एक किताब और भी उनकी आ चुकी है। व्यवस्थित पढ़ाई उनकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने शोध किया है और भारतेंदु समग्र का संपादन किया है। पुस्तकों के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये पुस्तक जो है जिस रूप में काशी को उन्होंने देखा और काशी के अवघड़पन और उसकी जीवंतता को देखा, राणसाड़ सीढ़ी सन्यासी को जिस तरह से देखा और जिस तरह से उन्होंने काशी को समझने की कोशिश की उसकी साहित्यिक कृतियों में, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों में और उसके लोगों, उसकी हवाओं में, उस पर लिखी कविताओं में, उस पर लिखे ग्रंथों में, उन सब को उन्होंने इसमें पिरोने की कोशिश की है। उनका कहना है कि काशी जो है वो रहस्यों की गहराई है, भव्य है, ठंडई है, जो फक्कड़पन है, जो अलमस्ती है, जो अवघड़पन है, उसके बारे में यह पुस्तक है। इसीलिए वो अपनी नज़रों से, अपने जीवन में जुड़े पात्रों की नज़रों से, जो उन्होंने पढ़ा है उनकी नज़र से काशी को दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए यह पुस्तक वे उन बनारसियों को समर्पित करते हैं, उन बनारसियों के लिए जो दुनिया को अपने ठेंगे पर रखते हैं। तो जब दुनिया ठेंगे पर होगी तो समझ सकते हैं कि मैं भी बनारस की संस्कृति में पला बढ़ा हूँ, उसी विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है और मैं हेमंत जी को उन दिनों से जानता हूँ जब वो बनारस में रहते थे, तो इसलिए मैं समझ भी सकता हूँ कि इस पुस्तक को उन्होंने किस रूप में लिखा है। खास बात यह कि इस पुस्तक की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि जिस शैली में हेमंत बात करते हैं उसी शैली में उन्होंने बनारस के ज्ञान को, उसकी ज्ञान की शलाका को, उसके अवघड़ों के ठहाके को, उसके रहस्यों को, उसकी दिव्यता को, उसकी भव्यता को, उसके फक्कड़पन को इसमें पुस्तक में पिरोया है। इस पुस्तक को लिखने के प्रति ये था कि उनको रविवार को फुर्सत मिलती रही, जैसा कि उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है, काशी का बनारस इस भूमिका का नाम है। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये इतवारी कथा के रूप में मैं फेसबुक पे लिख रहा था और इससे एक बहुत बड़े संसार को बनारस के बारे में पता चलने लगा। 21 रविवार में 21 कथाएं मैंने पूरी की, इसी तरह से बैताल पचीसी जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से इस इतवारी कथा को बहुत सारे लोगों ने सुना और उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इस कथा को, चूँकि मनु शर्मा के पुत्र हैं, तो आप इसको किताब के रूप में उजागर कर दीजिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने यह बात उनको कही और इस तरह से ये संस्मरण विधा की एक पुस्तक जो अपनी सांस्कृतिक, कलात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक
और भौतिक पहचान को लिए हुए है, उसके साथ वो हाजिर होते हैं। इसमें अतीत का आख्यान भी है, उन लोगों की भी तलाश करते हैं हेमंत जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है, जिनसे काशी बनी है, जिनसे काशी का पक्कड़पन बना है, चाहे उसमें तुलसी हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो भारतेंदु हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे वो गिरजा देवी हो, चाहे वो जद्दनबाई हो, हर तरह के लोगों को की बात की है। यहाँ तक कि जो लोग दूसरे बड़े साहित्यकार जो काशी पहुँचे थे और उन्होंने जिस रूप में काशी की को देखा, समझा, परखा, वहाँ की राजनीति की भी बात करते हैं, पत्रकारिता की भी बात करते हैं और उनकी स्मृति में जो नाम आते जाते हैं उन लोगों को इस संस्मरण विधा में हेमंत शर्मा पिरोते हैं, रखते हैं और इस पुस्तक की भूमिका को राम बहादुर राय ने बहुत ही करीने से, जब जब जो अध्याय इन्होंने लिखा है वह राम बहादुर राय के पास भेजा है, चूँकि राम बहादुर राय भी गाजीपुर के रहने वाले रहे, उनकी भी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रही, बनारस से रही, बनारस को ये लोग बहुत नज़दीक से जानते रहे हैं और जो लोक बनारस का है, जिससे बनारस रचा गया है, उसकी बात करते हैं। खास बात यह है कि भारतेंदु ने जो लिखा था, देखी तुमरी काशी लोगों, देखी तुमरी काशी जहाँ विराजे विश्वनाथ विश्वेश्वरी अविनाशी, आधी काशी भाट भंडोरिया बामहन और सन्यासी, आधी काशी रंडी मुंडी राण खानगी काशी, ये बात आज कोई लिख दे तो मार हो जाएगी। आधी काश लोग निकम्मे भंगी गंजर लुच्चे बेविश्वासी, महा आलसी झूठे सुहदे बेफिक्रे बदमाशी, ये भारतेंदु ने लिखा था काशी के बारे में। सच बात यह है कि आज भी काशी ऐसी ही है, काशी के लोग ऐसे ही हैं, हालांकि हेमंत इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि उस वक्त पर बेबाकी से लिखा था भारतेंदु ने, ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि काशी का जो फक्कड़पन है वह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से शिव हैं, जिस तरह से अवगर्दानी हैं, जिस तरह से शिव आदिदेव के रूप में स्थापित हैं हिंदू मान्यताओं में, जिस तरह से उनका अवगढ़पन है, जिस तरह से चंद्रमा और गंगा उनके सिर पर विराजते हैं, आध्यात्म के देव हैं, आदिदेव हैं, इसके बावजूद उनके साथ लूले लंगड़े भूत प्रेत काले कलूटे जितने भी, जो समाज का सबसे शोषित वर्ग है वह शिव का बराती है, शिव के का दरबारी है, उसी तरह से काशी है। काशी में भी उसी तरह के लोग हैं, एक तरफ अभिजात की पराकाष्ठा है, दूसरी तरफ डोम भी वहाँ पर राजा है, या काशी में ही हो सकता है। जिन लोगों की बात काशी पर लिखी इस पुस्तक में देखो हमारी काशी में उन्होंने लिखी है, उसमें शारदा नाई, लंगड़ा मोची, अत पखंडी कथा, हीरूपान वाले, दर्जी रामचंद्र और खुर्शीद मियाँ, अजीज भाई, चूहड़मल और पप्पू चाय वाले, साली गरमवा, बापू अखबार वाला, पेलू पंडा, चंपा बाई, सरदार अहमद बढ़ई, शंभु मल्लाह, सलाम चचा और हीरालाल बाल्मीक, कल्लू पहलवान, बचानू हलवाई, मुख्तार बैंड वाले, पाठक ड्राइवर, धर्मराज तेली और डोम राजा, ये कुल 20 कथाएँ हैं। इन 20 कथाओं के बहाने हेमंत शर्मा अपने अतीत में, अपने ज्ञान की शलाखा में, उस गुफा में, उस अंतःकरण में जाने की कोशिश करते हैं, उस अध्यात्म और उस साहित्यिक अध्ययन की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं जो शायद दिल्ली के माहौल में सत्ता के केंद्र में रहते हुए वह भूल चुके थे। अपने अतीत में वह काशी की उस पहचान की कोशिश करते हैं जो काशी आज भी इन लोगों में, इनके आख्यान में जिंदा है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभात पेपरबैक्स ने किया है, मूल्य 300 रुपये हैं और पृष्ठ संख्या है 238। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।